कहते हैं कि बॉलीवुड से चाहे आप जितनी नफरत कर लो, लेकिन बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से नफरत नहीं कर सकते। शायद इसीलिए तो उनकी फिल्म पठान ने वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। शाहरुख खान ने 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और उन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जगमगाते सितारे रॉकिंग स्टार यश ने अपनी फिल्म KGF चैप्टर 2 से कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन क्या आप इन फेमस एक्टर्स के करियर की शुरुआती जर्नी के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। वैसे तो टेलीविजन और सिल्वर स्क्रीन इंडस्ट्री एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन इंटरेस्टिंगली कई नेशनल स्टार्स ने अपनी जर्नी डेली सोप्स, कमर्शियल और टेलीविजन शो से स्टार्ट की हुई है। लेकिन अपने टैलेंट, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी के दम पर आज वो नेशनल स्टार्स बनकर करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडस्ट्री के 10 ऐसे टॉप एक्टर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन इंडस्ट्री से की थी और आज नेशनल स्टार बन चुके हैं, इवन वर्ल्ड वाइड स्टार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है शाहरुख खान। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंडियन ऑडियंस ही नहीं बल्कि फॉरेन ऑडियंस भी किंग खान को देखने के लिए हिंदी मूवीज देखती है। लेकिन अपने करियर की शुरुआत में शाहरुख खान ने काफी स्ट्रगल किया था। मुंबई आकर वो रेलवे स्टेशन पर भी सोए थे और काम के लिए उन्होंने दर दर की ठोकरें भी खाई थी। मगर अपने टैलेंट के दम पर शाहरुख खान ने 1989 में रिलीज हुए टीवी शो फौजी से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। और इस शो को लेकर एक फन फैक्ट ये भी है कि शो की शुरुआत में शाहरुख खान को सेकंड लीड रोल के लिए कास्ट किया गया था, लेकिन स्क्रीन पर ऑडियंस ने उन्हें इतना पसंद किया कि मेकर्स ने उन्हें फर्स्ट लीड कैरेक्टर बना दिया और स्टोरी उनके अराउंड घूमने लगी। जिसके बाद 90 के दशक में उन्होंने अजीज मिर्जा के सर्कस और मनी कॉल के इडियट जैसे फेमस टीवी शोज में भी काम किया। वहीं उन्होंने उम्मीद और वागले की दुनिया जैसे सीरियल्स में माइनर रोल्स किए थे। शाहरुख को टीवी में देख क्रिटिक्स उनके लुक्स और एक्टिंग को लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार से भी कंपेयर करने लगे थे। लेकिन शाहरुख को लगता था कि वो फिल्मों के लिए अभी रेडी नहीं है। मगर फिर 1991 में शाहरुख खान ने हिंदी सिनेमा में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया और 1992 में उन्होंने दीवाना फिल्म से अपना डेब्यू किया। अब दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शाहरुख खान की पहली ही फिल्म दर्शकों और क्रिटिक्स को इतनी पसंद आई कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बाद उन्होंने टीवी इंडस्ट्री छोड़कर सिर्फ फिल्मों में ही काम करना जारी रखा। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 2 पे हैं रॉकिंग स्टार यश। मेरे दुश्मन ही झेल सके ऐसी तलवार नहीं। कन्नड़ा इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले रॉकिंग स्टार यश ने अपनी फिल्म KGF चैप्टर 1 से 2018 में हिंदी बेल्ट में डेब्यू किया था और पिछले साल KGF चैप्टर 2 रिलीज होते ही वो ब्लॉकबस्टर बन गई, जिससे यश इकलौते ऐसे पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं जिनका एक भी हेटर नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में यश को पैन इंडिया तो छोड़ो, कन्नड़ा इंडस्ट्रीज में साइड रोल तक नहीं मिल रहा था। जी हाँ, दरअसल यश का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था और उनके पिता एक बस ड्राइवर थे। लेकिन बचपन से ही एक्टर बनने की चाहत रखने वाले यश ने सबसे पहले एक छोटा सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसके बाद उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। यश ने सबसे पहले साल 2004 में नंद गोकुला नाम के सीरियल में काम किया था, जिसमें वो एक्ट्रेस राधिका पंडित से पहली बार मिले थे और यहीं से इन दोनों की जोड़ी हिट हुई और भविष्य में दोनों ने कई मूवीज में साथ में काम भी किया। जिसके बाद साल 2016 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। फिर उसी साल यश ने उत्तरायण नाम के टीवी सीरियल में भी काम किया। वहीं 2004 में यश ने शिवा नाम के सीरियल में भी काम किया, जिसमें उन्होंने आदित्य नाम के यंग बिजनेसमैन का रोल प्ले किया था। जिसके बाद साल 2006 में यश प्रीति इल्लद मेले में दिखे, जिसने टेलीविजन इंडस्ट्री में खूब प्रसिद्धि कमाई और यश का परफॉर्मेंस भी लोगों ने काफी पसंद किया था। इसी शो को देखकर डायरेक्टर प्रिया हसन ने यश को अपनी फिल्म जम्बद हुडगी में लीड रोल का ऑफर किया, जिसके बाद यश ने कभी भी टीवी इंडस्ट्री की ओर मुड़कर नहीं देखा। वेल फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह यश के फैन हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर कर दीजिएगा। नंबर 3 पे हैं प्रकाश राज। मिनिस्टर लोग मेरे पीछे हैं और पुलिस लोग मेरी जेब में रहती है, या फिर अब तू मरने से पहले 1,000 बार मरेगा।
जब साल 2011 में लीड विलन बनकर प्रकाश राज ने अजय देवगन की फिल्म सिंघम में ऐसे धांसू डायलॉग्स बोले, वैसे मेरे जैसे नहीं, अपने अंदाज में, जहां मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस लोग मेरे जेब में रहते हैं, अब तू मरने से पहले हजार बार मरेगा, तब से उन्हें हिंदी ऑडियंस का भरपूर प्यार मिला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकाश राज साल 1994 से तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और साउथ में उनका नाम बच्चा बच्चा जानता है। उन्हें कई मूल्यवान अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री में आने का उनका सफर इतना आसान नहीं था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत में वो 300 रुपए प्रति महीने की तनख्वाह में बैक टू बैक थिएटर शोज करते थे, जिसके बाद उन्होंने बेंगलुरु का कला क्षेत्र ज्वाइन किया और कुल 2000 से भी ज्यादा स्ट्रीट थिएटर शोज किए। फिर उन्होंने कन्नड़ा टीवी शो बिसिलु कुदुरे से अपना टेलीविजन डेब्यू किया, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें गुड्डद भूता, अनुबंधा, कलाईव मनसु जैसे टीवी शोज में काम मिला। ऐसे कई टीवी शोज करने के बाद साल 1994 में प्रकाश राज ने के बालाचंद्र की तमिल मूवी डुएट से सिल्वर स्क्रीन पर डेब्यू किया और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल गई, जिसके बाद उन्हें फिर से टीवी इंडस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम भी डुएट मूवीज रखा है। नंबर 4, विद्या बालन। जब भी हम विद्या बालन के डेब्यू की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 2007 में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया आती है ना? तेरे मुर्दे पे मुझे ताने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विद्या ने अपना फिल्मी डेब्यू 2005 में रिलीज हुई फिल्म परिणीता से किया था, जिससे पहले वो आइकॉनिक टीवी शो हम पांच में राधिका माथुर का लीड रोल निभाती थी। नंबर 5, आयुष्मान खुराना। बॉलीवुड के नंबर 1 एक्सपेरिमेंटल एक्टर आयुष्मान, जो हर बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेले हैं। आयुष्मान ने अपने करियर की शुरुआत बिग एफएम में रेडियो जॉकी बनकर की थी और एक बार यूं ही उन्होंने दिल्ली आकर एमटीवी रोडी सीजन 2 का ऑडिशन दिया और सेलेक्ट हो ही गए, आखिरकार में जीत भी गए, जिसके बाद उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग स्किल्स की वजह से उन्हें कयामत और एक थी राजकुमारी जैसे टीवी ड्रामा शोज में काम करने का मौका मिला। फिर आयुष्मान ने कई टीवी शोज होस्ट भी किए और साथ ही 2012 में उन्हें फिल्म विक्की डोनर से बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला, जिसमें उनका परफॉर्मेंस ऑडियंस और क्रिटिक्स को काफी ज्यादा पसंद आया। बात जब सारे बच्चे की है, वो तो मैं बिना शादी ही कर सकता हूं। उसके बाद आयुष्मान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। खैर, आयुष्मान की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जरा नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 6, यामी गौतम। बॉलीवुड की सबसे वर्सटाइल एक्ट्रेस में से एक यामी गौतम ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में चांद के पार चलो टेलीविजन शो से की थी, जिसके बाद उन्होंने राजकुमार आर्यन, सीआईडी, ये प्यार न होगा कम और मीठी छुरी नंबर 1 जैसे टीवी शोज में काम किया। फिर साल 2012 में डायरेक्टर सुजीत सरकार ने अपनी फिल्म विक्की डोनर में आयुष्मान के साथ यामी को लॉन्च कर दिया। Are you single? Confirm करके फिर करेगी क्या? नंबर 7, सुशांत सिंह राजपूत। आई नो सुशांत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें तो है ना, उनकी फिल्में तो है ना। साल 2020 में हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए सुशांत ने भले ही इंडस्ट्री में कम समय के लिए काम किया, लेकिन जितना भी काम किया अपना बेस्ट से बेस्ट दिया। अब ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत टीवी स्टार बनकर की थी और एक समय ऐसा भी था जब पवित्र रिश्ता टीवी शो में अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सुशांत देश के हर घर की लेडीज के फेवरेट बन गए थे और उस वक्त लगभग हर अवार्ड फंक्शन में उन्हें बेस्ट एक्टर टीवी का अवार्ड मिल ही जाता था। लेकिन आपको बता दें कि उनका पहला टीवी शो किस देश में है मेरा दिल ये था। पवित्र रिश्ता के बाद उन्होंने जरा नच के दिखा और झलक दिखला जा सीजन 4 जैसे रियलिटी शोज में परफॉर्म किया था। फिर 2013 में उन्होंने फिल्म काई पोचे से बॉलीवुड में कदम रखा था। नंबर 8, मौनी रॉय। बॉलीवुड की नागिन मौनी रॉय ने साल 2018 में अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और उसी साल उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। लेकिन आपको बता दें कि अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले मौनी सुपर सक्सेसफुल टीवी एक्ट्रेस थी। जी हाँ, और उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कस्तूरी, फिर कोई है, देवों के देव महादेव और नागिन जैसे टीवी शोज में काम भी किया था। नंबर 9, राजपाल यादव।
बॉलीवुड के बेस्ट कॉमिक टाइमिंग वाले एक्टर यानी कि राजपाल यादव, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से हमें हमेशा हंसाया ही है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदी, तमिल या तेलुगु से नहीं बल्कि संस्कृत इंडस्ट्री से की थी। जी हाँ, वो टीवी स्क्रीन पर पहली बार 1992 में संस्कृत शो स्वप्नवास वद्दतम में दिखे थे। नंबर 10 आर माधवन। पिछले साल रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट में अपनी बेस्ट एक्टिंग और डायरेक्शन से हमारा दिल जीतने वाले आर माधवन ने अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी। माधवन सबसे पहले 1993 में रिलीज हुए टीवी शो यूले लव स्टोरीज में दिखे थे, जिसके बाद उन्होंने बनेगी अपनी बात, घर जमाई और साया जैसे टीवी सीरियल्स में लीड रोल प्ले किया था। और 5 सालों तक टीवी इंडस्ट्री में काम करने के बाद उन्होंने 1998 में फिल्म शांति 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 से अपना मूवी डेब्यू किया था। लेकिन उन्हें सफलता साल 2000 में रिलीज हुई डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म अलाई पायुथे से मिली थी, जिसके लिए 2001 में उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन सा है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल टॉपुलर फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।